हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद 23वें अध्याय देवाहुति का विषाद इस पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की उसके प्रथम नौ श्लोकों पर, जहां हम देखते हैं कि कर्दम मुनि और देवाहुति का विवाह होता है और उसके बाद में देवाहुति किस प्रकार से कर्दम मुनि की सेवा करती है। विश्रम्भेण गौरवेण मधुरया वाचा, शी सीज कर्दम मुनि एज ग्रेटर देन इवन प्रोविडेंस, दैव से भी बढ़कर है कर्दम, इतनी उनकी शक्ति है ये जानती है वो, इसीलिए वो उनकी सेवा कर रही है। और जब कर्दम मुनि उनकी इस तपस्या से द्रवित होकर देखते हैं कि अरे आपने इतने समय तक मेरी सेवा की है, आपको क्या चाहिए। हमने देखा किस प्रकार से कर्दम मुनि केवल अपनी इच्छा मात्र से ही देवाहुति को वो सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य देते हैं जिसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत समय लगाया है, उन्होंने बहुत समय लगाया है उन ऐश्वर्यों को प्राप्त करने में, लेकिन केवल अपनी इच्छा से वो अपनी पत्नी को वो दे देते हैं। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट हस्बैंड, हुज अ तपस्वी, एंड दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट वाइफ, हुज अ साध्वी, शी इज अ चेस्ट लेडी। यस, पतिव्रता है वो, साध्वी है वो। तो जब कर्दम मुनि पूछते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, तो देवाहुति उनके प्रश्न के उत्तर में उनसे कहने लगती है। क्या कहती है देवाहुति, श्लोक क्रमांक 10 से। देवाहुति उवाच, राधम बत द्विज वृषै तदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः, यस्तेभ्य धायि समय सकृदस्य संगो भूयाद् गरीयसि गुणः प्रसव सतीनाम्। श्री देवाहुति सेड, माय डियर हस्बैंड ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस, आई नो दैट यू हैव अचीव्ड परफेक्शन एंड आर मास्टर ऑफ ऑल इनफॉलिबल मिस्टिक पावर्स बिकॉज यू आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ योग माया द ट्रांसेंडेंटल नेचर, बट यू वंस मेड अ प्रॉमिस दैट अवर बॉडीली यूनियन shall now fulfill, since children are a great quality for a chaste woman who has a glorious husband. तो देवाहुति कहती है, आप निश्चित रूप से, प्रभुपाद जी कहते हैं, देवाहुति कहती है बत यानी डेफिनेटली मुझे आपके आध्यात्मिक प्रोग्रेस पर कोई शंका ही नहीं है, आप आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन आपने मुझे एक वचन भी दिया था। क्या वचन दिया था, समय आने पर आपकी कोख भरूंगा। एक पतिव्रता साध्वी के लिए एक महान पति से अच्छी संतान प्राप्त करना, ये उसका एक लक्ष्य होता है। By nature, women are emotional. स्त्रियां जो हैं वो emotional होती हैं और इसीलिए they naturally require and they want also children. वो मातृत्व के लिए they are hankering to be mothers. It is very natural. अपने उस मातृत्व के भाव को वो अनुभव करना चाहती हैं। और कर्दम मुनि जैसे महान तपस्वी व्यक्ति से अगर उनका गर्भ धारण हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, दिस इज द मोस्ट ग्लोरियस थिंग। तो देवाहुति ये प्रार्थना कर रही है कर्दम मुनि से कि आपने निश्चित रूप से, मैं आपके जीवन में आने से पहले ही आपने भगवान का दर्शन कर लिया है, आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया है, मेरे आपके जीवन में आने के बाद भी आपकी दिनचर्या में कोई खलल नहीं पड़ा है, वही दिनचर्या चल रही है आपकी, जब मैं नहीं थी आपके जीवन में,
तब जो दिनचर्या चल रही थी आपकी, आप ब्रह्मचारी थे, अभी भी आप उसी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन आपने किसी समय मुझे भी एक वचन दिया था कि समय आने पर संभोग के साथ में आपको एक पुत्र या बच्चों को मैं निश्चित रूप से प्रदान करूंगा, तो क्या उसका समय नहीं आ गया? सो वी सी द क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट डिवोटी हस्बैंड लाइक कर्दम मुनि। देवाहुति एक ऐसी स्त्री है जिसको देख करके गंधर्वों के राजा भी अपने प्लेन से नीचे गिर गए थे, हमने देखा था। ऐसी स्त्री को प्राप्त करने के बाद भी देवाहुति को उसको रिमाइंड कराना पड़ रहा है, अरे हमें बच्चा चाहिए। अर्थात ही इज कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल टू बॉडीली नेसेसिटीज, भौतिक इच्छाओं के और भौतिक जरूरतों के पूरी तरह से परोक्ष है कर्दम, और ये देवाहुति जानती है, इसीलिए वो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है। शी इज रिक्वेस्टिंग कर्दम मुनि, प्लीज ब्लेस मी विद अ चाइल्ड, आई एम इंडीड हैंकरिंग टू बी अ मदर। मैं मातृत्व के अनुभव को, मैं मातृत्व के सुंदर अनुभूति को अनुभव करना चाहती हूं, कृपया आप मुझ पर कृपा कीजिए। रूपा जी कहते हैं कि स्त्री शब्द का अर्थ है विस्तार। जब स्त्री घर में आती है तो क्या होता है, हम देखते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम है, या लोग जब अकेले रहते हैं, अरे एक कॉट है, कहीं तो कुछ तो पड़ा हुआ है, कैसे तो जी रहे हैं, कुछ तो खा रहे हैं, जिंदगी चल रही है। लेकिन जैसे ही स्त्री आती है घर में, शादी होती है, फिर सोफा सेट चाहिए, फिर ये चाहिए, वो चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो घर का विस्तार होता है। उसके साथ में स्त्री और पुरुष के एकत्रित आने से परिवार का भी विस्तार होता है। तो स्त्री अर्थात वन हु एक्सपैंड्स, ये स्त्री का लक्षण ही है। और देवाहुति काफी समय शादी के पश्चात भी देख रही है कि अरे एक्सपेंशन को जो हुआ ही नहीं है, वो पहले भी कुटी में रहते थे, अभी भी कुटी में रह रहे हैं, पहले भी तपस्या कर रहे हैं, अभी भी तपस्या कर रहे हैं, पहले भी ब्रह्मचारी थे, अभी भी ब्रह्मचारी है, तो मैं उनकी सेवा कैसे करूंगी? सो शी इज रिक्वेस्टिंग, प्लीज यू फुलफिल माय डिजायर आल्सो, मेरी भी इच्छा की तरफ थोड़ा देखिए। श्लोक क्रमांक 11, तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष्य यथोपदेशम् येनैष मे कर्षितोऽतिरत्रं सयात्मा सिद्ध्येत ते कृतमनोभवधर्षिताया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। देवाहुति कंटिन्यूड, माय डियर लॉर्ड, I am struck by excited emotion for you. Therefore, kindly make what arrangement must be made according to the scriptures so that my skinny body, initiated through unsatisfied passion, may be rendered fit for you. Also, my Lord, please think of a suitable house for this purpose. तो कहती अरे मैं आपके प्रति भावुक हूँ, मैं आपके प्रति काम वासना से पीड़ित हूँ, ऐसी परिस्थिति में आपको भी मेरी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कुछ प्रयत्न करने चाहिए, इसके लिए एक ग्रह की जरूरत होगी। हम देखेंगे कि ग्रह यानी जहां पर विस्तार होता है, ग्रह शब्द का अर्थ है जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में स्त्री के आने से विस्तार होता है, उस जगह को गृह कहते हैं। और इसीलिए मैरिड, जिन्होंने शादी की, उन्हें गृहस्थ कहते हैं। तो जो गृह में रहते हैं वो गृहस्थ। लेकिन इस सब के लिए क्या सबसे अत्यंत जरूरी है? अत्यंत जरूरी है कि इस पूरे ग्रह में रहकर विस्तार की जो प्रक्रिया है
उसमें भगवान को कभी ना भूला जाए। कृष्णा शुड ऑलवेज बी द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। देन गृहस्थ, द टर्म गृहस्थ होल्ड्स ट्रू, अदरवाइज इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू गृह मेधी, जिसका जीवन केवल ये शरीर और दूसरा शरीर, ये शरीर उस शरीर का उपभोग कैसे करेगा और वो शरीर इस शरीर का उपभोग कैसे करेगा, केवल इसी में दिनचर्या आगे चल रही है, बढ़ रही है। श्लोक क्रमांक 12। मैत्रेय उवाच, प्रियायाः प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं क्षत्तत् स्तर्येवा विरकी विरचीकरत्। मैत्रेय कंटिन्यू, ओ विदुर, सीकिंग टू प्लीज हिज बिलव्ड वाइफ द सेज कर्दम एक्सरसाइज्ड हिज योगिक पावर एंड इंस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एन एरियल मैंशन दैट कुड ट्रैवल एट हिज विल। कर्दम मुनि की शक्ति का यहाँ पे प्रदर्शन है। अरे तुम क्या चाहती हो, एरियल मैंशन, यस, नो पीडब्ल्यूडी परमिशन, नो क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे, क्या क्या जिंदगी भर की परमिशन रहती हैं, यस, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का परमिशन, साइट मैप, कुछ कुछ नहीं, ऐसे टिंग किया, उड़ता हुआ महल खड़ा हो गया। अब वो महल क्या है ये आप सुनेंगे, आप सोचिए योग क्या क्या कर सकता है, और जो भगवान का भक्त है उसके पास क्या शक्तियां होती हैं, लेकिन उनका उपयोग वो कितना ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड करता है। यू सी, अ डिवोटी इज नेवर बिरेफ्ट ऑफ पावर्स। एक भक्त के पास शक्तियां नहीं है भौतिक, ऐसा नहीं है, एक्चुअली एक भक्त के पास बहुत भौतिक शक्तियां हैं, लेकिन उनका उपयोग वो अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं करता। वो सो क्योंकि देखिए, जहां पर भी भक्ति है बाकी सारी चीजें वहां पे आ जाएंगी, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। इट इज एग्जैक्टली लाइक, एक बार एक राजा ने अपने बर्थडे पे बोला, हम 5 भिखारियों की जो इच्छा है पूरी करेंगे, जो वो चाहेंगे, सबसे गरीब 5 भिखारी। देखो तो किसी ने ये मांगा, किसी ने वो मांगा, किसी ने वो मांगा, किसी ने वो मांगा। जो 5वां भिखारी था वो बहुत चतुर था, उसने बोला मुझे राजा का फ्रेंड बनना है, मुझे राजा का मित्रत्व चाहिए। और जब राजा ने बोला ठीक है आप मेरे मित्र हैं, तो 4 महीने के बाद में उसने अपने घर पे बुलाया राजा को, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे घर पे आओ। अब पूरा सरकारी तामझाम लग गया उसके घर को ठीक करने में, उसके घर तक रोड बनाने में, उसको सब ठीक ठाक करने में। क्यों? क्योंकि राजा जाने वाला है, ऐसे थोड़ी जा सकता है। यस, सो यू सी, कोई व्यक्ति अपने जीवन में ये चाहे वो चाहे, वो तो शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। बेसिकली इट इज टेम्पररी बेनिफिट्स, वो आएंगे जाएंगे। लेकिन ये जो लास्ट भिखारी, उसने क्या मांगा, मुझे राजा का फ्रेंडशिप चाहिए, बाकी सब उसमें आ गया। उसी प्रकार से जब भक्ति सही रूप में भक्ति, निष्किंचन भक्ति, जैसी भक्ति से कर्दम मुनि अभिभूत है। यू सी व्हाट पावर्स ही हैज, और उन्होंने उन पावर्स को देवावती को इंप्रेस करने के लिए पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया, कभी उसकी ओर देखा भी नहीं, वो अपने भगवत भक्ति में लीन है, इससे कुछ लेना देना नहीं है उनको। ये आगे जो भी ऐश्वर्य आएगा, जिन्हें सुन करके हमारी आंखें चौंधिया जाएंगी, ये सब देवावती की क्षणिक इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है भाई तुम्हारे लिए भी। और जैसे ही बाद में देवावती कपिल मुनि को जन्म देगी, कर्दम मुनि चले भी जाएंगे वहां से। यस, सो दिस इज हाउ अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज एंडाउड विद पावर्स। ही डज नॉट यूज हिज पावर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। यस,
श्लोक क्रमांक 13, सर्व काम दुघम दिव्यम सर्व रत्न समन्वितम सर्वध्यर्युपचर्योदरकम मणिस्तंभैरुपस्कृतम। इट वॉज अ वंडरफुल स्ट्रक्चर। वो उड़ता हुआ जो महल है कैसा है वो, इट वॉज अ वंडरफुल स्ट्रक्चर बेडेक्ट विद ज्वेल्स adorned with pillars of precious stones capable of yielding whatever one desired. It was equipped with every form of natural wealth which intended to increase in course of time. सारे भौतिक ऐश्वर्यों से परिपूर्ण वो महल था जिसकी दीवारें और खंभे बड़े बड़े रत्नों से बने हुए थे। सारे भौतिक ऐश्वर्य वहां पे समय के अनुपात के अनुसार वृद्धिंगत ही हो रहे थे, कुछ कम होने की बात ही नहीं है। सब वर्ष बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एवरी मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, एवरी सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन इज ओनली इंक्रीजिंग। ऐसा महल था वो। श्लोक क्रमांक 14-15, दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहं पट्टिकाभिपताकाभिर्विचित्राभिललङ्कृतं स्त्रिग्भिर्विचित्रमाल्यार्भिर्मञ्जुषञ्जितषडश्रीभिः दुकुलक्षौमकौशेये नानावस्त्रैर्विराजितम्। The castle was fully equipped with all necessary paraphernalia and it was pleasing in all seasons. It was decorated with all around flags, festoons, artistic work of variegated colors, further embellished with wreaths of charming flowers that attracted sweetly humming bees, and with tapestries of linen, silk and various other fabrics. Parde jahan par silk ke hai, जहां पर आने जितना भी शान शौकत है, पूरी शान शौकत भरी है। सुंदर सुंदर फूल हैं उसके ऊपर, भौरे मंडरा रहे हैं। मतलब आप वहां जाएंगे तो आपको एक विचित्र सुख का अनुभव होगा, अ कैप्टिवेटिंग सेंस ऑफ प्लेजर। एक ऐसा सुख जो हमने या देवाहुति ने पहले कभी भी अपने पिता स्वयंभू मनु के घर में भी जो सुख अनुभव न किया हो, ऐसा सुख उसे मिलेगा। ऐसा सुंदर महल तैयार किया। उपरि उपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक् पृथक् क्षिप्तैः कशिपुभिः कांतम् पर्यंक व्यजनासनैः। The palace looked charming with beds, couches, fans, seats, all separately arranged in 7 stories. 7 मंजिला, ऐसा नहीं कि ऐसे घूम रहा है। और ये हवा में उड़ने वाला, हवा में उड़ने वाला 7 मंजिली मैंशन। और ये कुछ नहीं है योगिक सिद्धियों के लिए। Yes, big yogis can create and destroy planets at their will. योगिक शक्तियां ऐसी होती हैं कि वो अपनी इच्छा से, केवल अपनी इच्छा से एक नया ग्रह बना सकते हैं और अपनी इच्छा से उस ग्रह को नष्ट भी कर सकते हैं। ऐसी शक्ति होती है योग। So having a 7-story building is like Tata Birla Ambani investing in a 1 BHK flat in Dharavi. Dharavi ke beech mein 1 BHK flat, kaun Tata Birla? That is the value of that big mansion for Kardambani. Lekin sabhi upabhogon se paripurna hai wo. Shlok kramank 17, तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्प शुभशोभितम् महामरकथस्थल्या जुष्टम् विद्रुमवेदिभिः। Its beauty was enhanced by artistic engravings here and there on the walls. The floors was of emerald with coral daisies.
तो एमराल्ड, एमराल्ड यानी ग्रीन पात्सु, मराठी में उसे पात्सु कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। सो ग्रीन कलर का जो स्टोन है, नवरत्नों में ग्रीन कलर का होता है, बुध ग्रह का जो स्टोन होता है, सो दैट इज कॉल्ड एमराल्ड। तो महल ऐसा था कि सातों फ्लोर्स उस पात्सु से बने हुए थे, एमराल्ड से उसका फ्लोर बना हुआ था। सोचिए, तो बाकी जो ऊपर लगे होंगे उसका क्या, वो कैसे दिव्य रत्न होंगे अगर ग्रीन कलर के एमराल्ड से उसका फ्लोर बना हुआ है। यस, वी सी व्हाट काइंड ऑफ ऐश्वर्य हैड बीन देयर, किस प्रकार का ऐश्वर्य था पहले। हम अगर आजकल के साइंटिफिक सो कॉल्ड जीवन में अपने आप को बहुत ज्यादा प्रगतिशील मानते हैं, लेकिन अगर हम कर्दम मुनि के इस ऐश्वर्य को देखेंगे, उसकी काबिलियत को देखेंगे, एंड इट इज लाइक नॉट इवन अ सेकेंड, इट इज आ गया सब, चला गया सब, ऐसा है वो, ऐसा है वो। श्लोक क्रमांक 18, द्वासु विद्रुम देहल्या भातम वज्रकपाटवत् शिखरै श्रीन्द्र नीलेषु हेमकुम्भैरधिश्रितम्। द पैलेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल, इट्स कोरल थ्रेशोल्ड्स एट द एंट्रेंसेस एंड इट्स डोर्स बेडेक्ट विद डायमंड्स। तो अनेक अनेक रत्नों से जो घर का उमरा, उमरा मतलब दहलीज, घर की जो दहलीज है वो रत्नों से भरी हुई थी। घर के दरवाजे पे बड़े बड़े हीरे जड़े हुए थे, घर के दरवाजे पे हीरे। घर का दरवाजा कहां से दिखता है, बाहर से दिखता है, तो बाहर से दिखने के लिए सुंदर दिखे इसलिए हीरे। तो अंदर से आप सोचिए क्या होगा, घर के बाहर क्या रखते हैं हम, ज्यादा मूल्यवान वस्तु घर के अंदर रखते हैं या बाहर रखते हैं, अंदर रखते हैं ना, उस मूल्यवान वस्तु को सिक्योर करने के लिए दरवाजा बनाते हैं। यस, और दरवाजा लोहे का रहता है, 200 रुपए किलो। यहाँ पे कर्दम मुनि का जो दरवाजा है उसमें बड़े बड़े हीरे लगे हुए हैं बाहर की तरफ, तो अंदर क्या होगा। गोल्ड पिनेकल्स क्राउंड इट्स डोम्स ऑफ सफायर, नीलम से उस घर की डोम्स, छतें बनी हुई थी, और नीलम के ऊपर गोल्ड एम्बेडेड था, गोल्ड वर्क था। नीलम से उस घर की छत बनी हुई थी, सो फ्लोर बनी है पांचू से, एमराल्ड से। दहलीज पे अनेक अनेक रत्न है, दरवाजे के बाहर हीरे हैं, छत बनी है नीलम से, और नीलम की छत के ऊपर गोल्ड की नक्काशी है। श्लोक क्रमांक 19, चक्षुष्म पद्मरागाग्रैर वज्र भित्तिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्र वैर्तानैर महाहैर्हेम तोरणैः। With the choicest rubies set in its diamond walls, it appeared as though possessed of eyes. It was furnished with wonderful canopies and greatly valuable gates of gold. दीवारें कैसी बनी हुई थी? दीवारों, दीवारें रूबी, माणिक से बनी हुई थी, माणिक से बनी हुई दीवारें थी जिसमें भी हीरे लगे हुए थे अंदर। तो क्या ऐश्वर्य, आप सोचिए आज हम क्या जी रहे हैं, और भगवान के एक योगी भक्त के पास क्या ऐश्वर्य होता है। लेकिन ये ऐश्वर्य है ये बड़ी बात नहीं है, ये ऐश्वर्य प्रस्तुत करने की शक्ति होने के बावजूद वो कुटी में रह रहे हैं, ये बड़ी बात है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यमुच्यते। जब विषय वस्तुओं से व्यक्ति अनासक्त होता है,
और जिस यथा अर्हम उपयुंजत, जिसको भी भगवान की सेवा में जैसे भी जब भी उपयोग में लाना है उतने समय तक उसको वैसे उपयोग में लाएंगे, अन्यथा बंद। यस, जैसे हम भगवद्गीता में भी भगवान कहते हैं कि एक भक्त अपनी इंद्रियों को कैसे वश में करता है, जैसे एक कछुआ डेंजर देख करके अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, सबको अंदर से खोल लेता है, किसी इंद्रिय को बाहर नहीं आने देता, क्यों, डेंजर है बाहर। उसी प्रकार एक भक्त अपनी इंद्रियां हैं उसकी, उसकी इंद्रियां चलायमान हैं, तेजस्वी हैं, उपभोग करने में सक्षम भी हैं, लेकिन क्या वो अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ता है, मदमस्त छोड़ता है? नहीं। कूर्मोंगानि इव सर्वशः, कूर्म अंगान इव सर्वशः, वो अपने अंदर से सिकोड़ लेता है उसे। दिस क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी इज देयर इन विच दैट रियली अट्रैक्ट्स कृष्णा। यस, देखिए शुद्ध प्रेम कहां पर है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रास्ते पर जा रहा है और कोई सुंदर स्त्री दिखी तो वो व्यक्ति उस सुंदर स्त्री को देखने लगे तो पति को क्या लगेगा, अरे वो उसकी ओर आकर्षित है। या फिर एक पत्नी किसी और पराए मर्द को जो सुंदर दिखता है या हैंडसम दिखता है उसकी ओर देखने लगे तो पति को क्या लगे, अरे ये उसकी ओर आकर्षित है। लेकिन चाहे कोई भी स्त्री सामने खड़े हो जाए, कितनी भी सुंदर हो और उसकी पत्नी कितनी भी कुरूप हो, लेकिन वो अपनी पत्नी को ही देखता है, वो उसको नहीं देखता, वाइफ विल बी सो हैप्पी, अरे मुझे कितना अच्छा पति मिला है। उसी प्रकार भगवान भी ऐसे ही है। व्हेन कृष्णा गिव्स ऑपुलेंसेस, भगवान जब ऐश्वर्य देते हैं, भगवान टेस्ट करते हैं, ऐश्वर्य सामने आने पर भी मेरा भक्त मुझे ही देख रहा है क्या? अगर हाँ तो भगवान भर भर के भगवान खुश होंगे, लेकिन अगर ऐश्वर्य दिखने पर हमारी लाल टपकने लगे तो कृष्णा विल बी सो, वो हतबल हो जाएंगे, अरे यस माई डिवोटी हैज लेफ्ट मी, ही हैज गॉन एंड टेकन शेल्टर ऑफ माया। सो कर्दम मुनि और देवाहुति के बीच में हम ये आदर्श दाम्पत्य जीवन जो देखते हैं, वेरिन कर्दम देवाहुति इतने सुंदर है, कर्दम मुनि उसके प्रति दैहिक रूप से आसक्त नहीं है, और देवाहुति भी इतने सुंदर है लेकिन वो कर्दम मुनि के प्रति इतना श्रद्धा रखती है, उनको सेवा करने की इतनी इच्छा रखती है कि बाकी सब कुछ वो छोड़ सकती है केवल कर्दम मुनि को प्रसन्न करने के लिए। सो दिस इज एन आइडियल नप्चुअल लाइफ, आदर्श वैवाहिक जीवन यह है। ऐसी परिस्थिति में देवाहुति इज अ ग्रेट डिवोटी, कर्दमा इज इवन ग्रेटर डिवोटी। यस, यथार्हम उपयुंजत, लेकिन हम कर्दम मुनि देखते हैं कि समय आ गया है कि मेरी पत्नी जिसने अब तक मेरी इतनी सेवा की है उसकी इच्छाओं की पूर्ति का समय भी आ गया है, तो वो अपने ऐश्वर्य दिखाते हैं। Yes. यह भी कर्दम मुनि का वैराग्य ही है, यह भी कर्दम मुनि का वैराग्य ही है। इसमें कहीं भी कर्दम मुनि भौतिक प्रकृति के कामुक रजोगुण से पीड़ित नहीं है। He is just doing this so that देवाहुति's इच्छा can be, अरे उसने इतना किया है मेरे लिए, इतना त्याग किया है मेरे लिए, तो देवाहुति चाहती है मेरी सेवा करे, कैसे, संभोग करके। तो उसकी इस इच्छा को पूर्ण करना भी मेरा कर्तव्य है, उस कर्तव्य निर्वाहन के कारण यह सब हो रहा है। This is the glory of a devotee. He is never into sense gratification. Yatharham upayunjata. He uses sense gratification just to see that bodily necessities are sometimes maintained. His main focus is always to see that Krishna is pleased.
Krishna is worshipped. Krishna is glorified, and Krishna's name is spread all over the universe. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. श्लोक क्रमांक 20, हंस पारावर व्रातैस्तत्र तत्र निकुंजितं कृत्रिमान् मन्यमाने स्वानधीरुह्याधिरुह्य च. Here and there in that palace were multitudes of live swans and pigeons, as well as artificial swans and pigeons, so lifelike that the real swans rose above them again and again, thinking them to be birds like themselves. Thus the palace vibrated with sounds of these words. Hamsa the, ye sab maya hai Kardam Muni ki. Us maya mein hamsa hai, jeevit hamsa hai, jeevit kabutar hai. और निर्जीव हंस भी है और निर्जीव कबूतर भी है, लेकिन वो निर्जीव हंस और कबूतर इतने सुंदर दिख रहे हैं कि सजीव हंस और कबूतर उन निर्जीव हंसों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं. दिस इज एग्जैक्टली माया, दिस इज एग्जैक्टली माया. हम यही देखते हैं इस भौतिक जगत में कि सजीव आत्मा इस जड़ भौतिक ऐश्वर्य के प्रति ऐसे ही आकर्षित होता है. लाइव स्वान्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू आर्टिफिशियल स्वान्स, लाइव पीजन्स आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू आर्टिफिशियल पीजन्स. लाइफ फुल आत्मा इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू लाइफलेस बॉडी. दिस इज माया, यही कर्दम मुनि ने क्रिएट की है. विहार स्थान विश्राम संवेश प्रांगणांजरे यथोपजोषम रचितैर विस्मापन मिवात्मनः. द कैसल हैज प्लेजर ग्राउंड्स, रेस्टिंग चेंबर्स, बेडरूम्स, इनर एंड आउटर कोर्टयार्ड्स डिजाइन विद एन आई टू कंफर्ट. All this caused astonishment to the sage himself. ऐसा सुंदर घर तैयार हो गया, कर्दम मुनि खुद भी देखते रह गए. मतलब ऐश्वर्य और आराम की परिसीमा थी वो. रूपा जी कहते हैं, कर्दम मुनि being a saintly person was living in a humble hermitage, but when he saw the palace constructed by yogic powers which were full of resting rooms, अनेक अनेक प्रकार के कमरों से परिपूर्ण है वो, वो खुद भी चकित रह गए. अरे ये क्या हो गया हमारा भी, और ये क्यों हो रहा है? कर्दम मुनि सोचने, देखो भगवान की शक्ति कितनी महान है. आफ्टर डूइंग ऑल दिस ऑल्सो प्रभुपाद जी कहते हैं, ही वॉज एस्टोनिश्ड टू सी द पावर ऑफ कृष्णा. कर्दम मुनि ये नहीं सोच रहे देखो मेरा क्या कमाल है, वो सोच रहे भगवान की ये जो शक्तियां हैं क्या दैवी हैं, क्या प्रकार है ये मैंने खुद भी नहीं देखा था, मैंने इमेजिन भी नहीं किया. सो हियर इज कर्दम मुनि एज अ डिवोटी, नॉट फॉरगेटिंग कृष्णा, सीइंग एवरीथिंग एज अ मैटर ऑफ कृष्णास पावर, कृष्णास मर्सी. इस प्रकार से जब एक भक्त कार्य करता है, देन ही बिकम्स ऑल ग्लोरियस. श्लोक क्रमांक 22, इद्रुगृहं तत्पश्यन्तिं नातिपीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञः. When he saw Devahuti looking at the gigantic opulence palace with a displeased heart, Kardam Muni could understand her feelings because he could study the heart of anyone. Thus he personally addressed his wife as follows. So, जब Kardam Muni ने देखा कि Devahuti सबको देख करके अचंभित है,
इतना ज्यादा प्रसन्न नहीं है। कर्दम मुनि तुरंत देवाहुति के हृदय को समझ पाए। यू सी, दिस इज अनदर वेरी फाइन एस्पेक्ट ऑफ अ डिवोटी। ही कैन इमीडिएटली सेंस व्हाट इज गोइंग ऑन इन अदर पर्सन्स हार्ट। दूसरे के मन में क्या चल रहा है भक्त को तुरंत पता चलता है, तुरंत पता चलता है। तो कर्दम मुनि इतने महान वैष्णव है, तुरंत उन्होंने समझ लिया कि अरे इतना सुंदर सब कुछ करके भी देवाहुति इज नॉट लुकिंग वेरी प्लीज्ड। क्यों? तो वो देवाहुति से कहने लगते हैं। ही स्पीक्स टू देवाहुति। व्हाट डज ही स्पीक टू देवाहुति? देवाहुति से वो क्या कहते हैं ये हम देखेंगे हमारे कल के श्लोक में। आज हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निदाई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।